आज हमारा सॉफ्ट स्किल का लेक्चर है एंड सॉफ्ट स्किल आई गेस नॉर्मली हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो था वो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल था। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट चैप्टर एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर नंबर टू, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी तीन चार एस्पेक्ट्स है जो हमें देखने हैं, कवर करने हैं। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर टू। आई होप के सभी ने चैप्टर नंबर वन के जो मैंने नोट्स शेयर की थी ग्रुप पे वो सारे लिख लिए रहेंगे अपने नोटबुक में। लिखना मस्ट है प्रिंसिपल सर के न्यू ऑर्डर्स के हिसाब से कि FY के स्टूडेंट्स को अपने नोट्स बनाने हैं। तो मैं मटेरियल तो पूरा भेज देती हूँ, तुम लोगों को सिर्फ कॉपी करना है वो अपने नोटबुक में, ताकि हैंड रिटन नोट्स जो है वो तुम्हारे पास मौजूद रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर टू, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। द फर्स्ट पॉइंट गोज लाइक दिस, दैट इज नोविंग योर सेल्फ। मैंने सॉफ्ट स्किल के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी तुम लोगों को कि सॉफ्ट स्किल क्या है। अपने अंदर सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना बोले तो अपने अंदर ऐसे स्किल्स को डेवलप करना जिससे तुम डे टू डे लाइफ में आसानी से लोगों से कम्युनिकेट कर सको, अपने अतराफ के एनवायरमेंट में कोप अप कर सको। भले तुम्हारी जॉब प्लेस है, भले तुम्हारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, ठीक है, उनके साथ किस तरह से बात की जाती है, कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो किस तरह से कोप करना है, किस तरह से बात करनी है वहाँ पे, अपने रेज्यूम्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, CVs किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आती है सॉफ्ट स्किल के अंदर। तो अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप करना बोले तो खुद की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। लाइक हम लोग अपनी पूरी पर्सनैलिटी पर जब काम करते हैं, दैट मीन्स हम हमारे सॉफ्ट स्किल को जनरेट कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। तो दिस इज द चैप्टर दैट यू आर गोना लर्न, दैट इज नोविंग योर सेल्फ। तो सॉफ्ट स्किल में पहली चीज़ के अगर सॉफ्ट स्किल सीख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज रहेगा वो कि अपने आप को जानना। खुद को कैसे जानोगे? सी, नो ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीटली, आई विल जस्ट ओपन माय ओन बुक ओवर हियर। ओके, सी, नोविंग योर सेल्फ, नो ह्यूमन और शी हैज, मोस्ट पीपल वॉन्ट टू ब्रिंग सर्टन their personalities. Some even aspire to emulate the behavior, dressing style, and other characters of celebrities. And it is possible to polish one's behavior and personal characteristic in multiple ways to personality development. अब देखो personality development में पहला being yourself, ठीक है? तो हम लोग mostly आजकल क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत सारे लोगों को on social media देखते हैं, right? Instagram पे देखते हैं, या कोई सीरियल या कोई सीरीज देख रहे होते हैं, ठीक है, इसमें कोई कैरेक्टर जो है हमें बहुत इंस्पायर करता है, जैसे हम चाहते हैं कि हम उसकी तरह बने, ठीक है। वैसे ये फॉल्स वे है अपने आप को जानने, बट स्टिल ये होता है आजकल के लोगों में, स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो को बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती है कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल ऑप्ट करने की कोशिश स्टाइल ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे, इवन उनके हेयर स्टाइल्स ऑप्ट करने की कोशिश भी। एर्तुरल गाजी वाला सीरियल आया था, ठीक है, उसके बाद जो लज हो गया था हेयर स्टाइल बदलने का, तो ये होता है नॉर्मली। मतलब दिस इज द जनरेशन सेलिब को देख के उनके जैसा बनने की नॉर्मली कोशिश करते हैं। तो हर कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखी जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मीन्स मॉडिफाइंग इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एटीट्यूड विच वुड डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अदर। It is a process which is largely dependent on the environment and communication. Personality development can also be defined as growing personal characteristics of. So, देखो ये wrongly conceptual जो चीज हमारे दिमाग में है कि personality को develop करना बोले तो अपने आप के looks को, जैसे हम हमारा हेयर स्टाइल बदल ले, हम हमारा ड्रेसिंग स्टाइल बदल ले तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल देना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का लुक्स या फिर फिजिकल फिटनेस से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, फिजिकली फिट होना चाहिए हमें, एकदम भी मतलब फिजिकली अनहेल्दी रहना है ऐसा भी नहीं है, फिजिकली फिट होना है, बट जो लुक्स वाले ट्रेट्स के साथ ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है दिमाग में होता है कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती अगर हम गुड लुकिंग नहीं है, हाँ स्टाइल अच्छा नहीं है, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, हमारे शूज अच्छे नहीं है तो हमारी पर्सनालिटी डेवलप नहीं लग रही। ये जो मिथ है ये गलत है, ठीक है। खुद के पर्सनालिटी को डेवलप करना बोले तो खुद के बिहेवियर को डेवलप करना, एक एटीट्यूड को हमारे करना, ठीक है, हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसे है, हम दूसरों से कैसे बात कर, इवन गरीब से गरीब इंसान के साथ हम किस तरह से हम ट्रीटमेंट रखते हैं, किस तरह से हम चाहते हैं, तो ये जो है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। एक अमीर से अमीर बंदा है,
ठीक है, और उसे बात करने की तमीज नहीं है, वी कैन नॉट से हिज पर्सनैलिटी डेवलप, ठीक है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में नहीं आएगा. वहीं पे अगर कोई गरीब बंदा है, पास अच्छी ड्रेसिंग स्टाइल नहीं है, जिसका हेयर स्टाइल भी अच्छा नहीं है, बट वो बात करने की रखता हो, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर पर्सनली डेवलप्ड पर्सन. ठीक है, तो ये अपने दिमाग से वो मिथ निकाल देना है कि कोई सेलिब्रिटी की तरह लगेंगे तो अच्छे लगेंगे. दिस इज फॉल्स. इसके बाद देखो, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट योर सेल्फ इफ यू हैव टू डेवलप योर. वंस यू नो योर लिमिटेशंस एंड स्ट्रेंथ, इट इज इजी टू फाइंड वेज योर शॉर्टकमिंग्स. तो अब हम बात कर रहे हैं नोविंग योर सेल्फ. नोविंग योर सेल्फ का मतलब को, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सबसे पहली सीढ़ी होती है खुद को जानना. खुद को जानने का ये मतलब नहीं है हम किस तरह के दिखते हैं या कैसे दिखने चाहिए, ये, या हमारा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये जानना. ये चीजों को नहीं जानना हमें, वो चीज जो हमारे लिमिटेशंस है, ठीक है, हम किन चीजों में कमी रखते हैं, कौन से पास नहीं है, हम कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक कर रहे हैं, हमें बात करना नहीं आता किसी, तो उनको सुधारना है, ठीक है. हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हम किन चीजों में स्किल्स रखते हैं, ये भी जानना है. सिर्फ कमी को जान के कुछ नहीं होता, हम कहाँ पे ये भी जानना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने आप है, और कौन सी जो है स्ट्रेंथ्स है, हम मतलब कौन से काम में हम ज्यादा माहिर है उसमें स्ट्रेंथ हम रखते हैं, तो ये अपने आप के बारे में जानना है. कैसे जानोगे, खुद से अपने आप के बारे में क्वेश्चनिंग करनी है, क्या हम ये चीज कर पाते हैं, अगर कर पाते हैं तो क्या अच्छे से कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उसको सुधारना है, ठीक है. अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान से बात कर रहे हैं बस हो जा रहे, मतलब वहां पे हम कमी है हमारे अंदर, ठीक है. स्पोकन इंग्लिश सीख रहे, राइट, तुम लोगों का ही मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स ले रही हूँ. तो स्पोकन इंग्लिश में हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीख रहे हैं, हमने पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे वेरियस हमने टैक्टिक्स देखे कि किस तरह से बात की जाती है, प्रिंसिपल्स देखे. तो ये होता है कि अगर हम वो स्किल्स अपने अंदर इनहेरिट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से वो सारी जो स्किल्स है अपने अंदर जो है वो मास्टर करनी है. तो दिस इज हाउ वी नो आवर सेल्फ. हम अपने आप के अंदर के स्ट्रेंथ्स देखेंगे, अपने अंदर के ड्रॉबैक्स देखेंगे, और जो ड्रॉबैक्स है उनको सुधारेंगे, इवन जो स्ट्रेंथ्स है उनको और ज्यादा पॉलिश करने की कोशिश करेंगे. सपोज कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी हैंडराइटिंग बहुत प्यारी होगी यहाँ पे, ठीक है, तो वो उनकी स्ट्रेंथ हुई कि उनकी राइटिंग बहुत प्यारी है, वो लिखते बहुत अच्छा है, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है. बट उधर ही स्टॉप हो जाना, दिस इज नॉट द वे. उस हैंडराइटिंग को और किस तरह से पॉलिश किया जाए, और लिखने के स्किल्स अपने अंदर किस तरह से इनहेरिट किया जाए, ये सारी चीजों पे हमें वर्क करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट नोविंग योरसेल्फ. के बाद देखो, इफ यू नो दैट यू आर इंट्रोवर्ट, देन यू कैन स्पीक इन अ ग्रुप, become a confident speaker. If you become nervous on seeing your seniors around you, then you friends more often and overcome that fear. Same चीज I have explained के बारे में कमियां पता लगानी है, कि यहाँ पे example दिया हुआ है कि अगर तुम introvert बात करने की मतलब बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर वो skills नहीं है, communication skills, फिर में speak करने की कोशिश करो. अब तो यहाँ पे admission ले लिए हो तो तेरे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अगर ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारे महीना टू महीना तो उसमें स्पीचेस जो है वो देने की कोशिश करनी है. अपने अंदर का स्पीचेस देने की कोशिश करो ताकि यू हैव कॉन्फिडेंट स्पीकर. उसके बाद अगर तुम्हारे सीनियर्स को देख के नर्वस हो रहे हैं, हमारे कॉलेज ऐसा नहीं होता, फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाती है, बट बड़े बड़े कॉलेजेस में जो है बच्चे अपने देख के है वो नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि रैगिंग्स होती है वहां पे, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं रैगिंग हो, तो ये डर जो होता है ये स्टूडेंट्स में बहुत होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं तो वो डर को खत्म करना है, अपने सीनियर्स से बात करने की कोशिश करनी है. तो दिस इज हाउ वी ओवरकम आवर फियर्स, दिस इज हाउ ओवरकम आवर ड्रॉबैक्स. तो ये करने की कोशिश करनी है. उसके बाद देखो, your understanding yourself therefore is very important. It is different from knowing your favorite friend, favorite pastime, favorite number, favorite dress, etc. Knowing yourself is not against your parent, it is more profound than that. To know yourself you have to see how confidently you deal with different situations. To know yourself is not an easy job, it is long and slow process. It likes a meandering road where you do not see the end and you have to travel yourself to reach the end. This traveling helps you clear your doubts and increase your confidence while moving towards your destination or goal. You can then cherish the journey because it gives you a new experience at every stage.
एज आई सेड बिफोर कि खुद को जानने का मतलब ये नहीं होता कि हमें कौन सी चीज जाननी है, यानी हम किस तरह के दिखते हैं, हमारा फेवरेट रंग कौन सा है, हमारा फेवरेट पास टाइम क्या है, हमारा फेवरेट कलर कौन सा है, हम हमारे फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, ठीक है, हम कौन सा ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, कौन सी हेयर स्टाइल हमें पसंद है. खुद को जानने का मतलब ये नहीं, खुद को जानने का मतलब है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस को किस तरह से करते हैं. देखो, एक सिनेरियो का एग्जाम्पल लेना है, अगर सपोज एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे, एक एग्जाम के सिनेरियो को अपने दिमाग में सोचो कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे. ठीक है, कुछ स्कॉलर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी होंगी, वो बोलेंगे नहीं हम तो बस रिवीजन करेंगे, ठीक है वो हम कर लेंगे अच्छे से, हमारा तो सारी तैयारी हो गई है, हमें बस रिवीजन करना है और हम अच्छे से एग्जाम दे देंगे, ठीक है, वो उनका कॉन्फिडेंट है, वो उनकी स्ट्रेंथ है. बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले से स्टडी नहीं करते रहेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार अगले हफ्ते एग्जाम कैसे करेंगे, इतना तो हमने स्टडी भी नहीं करा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया, मतलब तुम सिचुएशन से कोप नहीं कर पा रहे हो. तो सिचुएशन से कोप करने के लिए तुम्हें अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, दैट मीन्स तुम्हें पहले से स्टडी स्टार्ट करनी है. तुम पढ़ रहे हो, भले सारा कुछ ना पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ लो, पर तुम्हारे दिमाग में उस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, ताकि तुम उसको अपियर करके एटलीस्ट फेल ना हो सको, ठीक है, भले तुम टॉप ना करो, भले तुम टॉप 3 में ना आओ, लेकिन तुम जो है वो अच्छे मार्क्स से जो है वो पास हो सको, इतनी मेहनत एटलीस्ट करो. तो दिस इज हाउ वी आर डीलिंग विद दैट सिचुएशन. तो अपने आप को जानना इसे कहते हैं, ठीक है, एग्जाम का ही एग्जाम्पल ले लो, इसके अलावा भी बहुत बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, कुछ लोग हैं वो बोलेंगे हमने तो बहुत सारा प्रिपरेशन कर रखा है, ठीक है, हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, पर लेकिन जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उनसे कुछ ऐसी क्वेश्चनिंग होंगी नहीं पता होगी, तो ये ड्रॉबैक हुआ, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ड्रॉबैक उनके अंदर. और कुछ लोग ऐसे होंगे जो भले ही उन्होंने ज्यादा स्टडी नहीं करा होगा, बट उनके एक्सपीरियंस लेवल इतना हाई रहेगा कि वो अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो उनको जो क्वेश्चनिंग की जाएगी उस इजीली आंसर दे देंगे. तो दीज आर दोज द स्ट्रेंथ्स ऑफ दोज पीपल, ठीक है, तो इस हर किसी में कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स और कोई ना कोई कमियां होती है, हमें बस उन्हें जानना है और कमियों को हमें सुधारना है, और जो बाकी के जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं उनको और ज्यादा पॉलिश करना है. यहाँ पे एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है, देखो किस तरह से हम खुद को जानेंगे, ये साइकिल दिया हुआ है, तो साइकिल को देख से पर्सनल विजनिंग, पर्सनल विजनिंग इन द सेंस हमारे बारे में जानना, हम क्वेश्चन करेंगे हमको खुद को ही कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ठीक है, फिर जो अच्छाई है हमारा जो पोटेंशियल है उसको रीडिस्कवर करना है, कौन सी चीजें हम अच्छी कर लेते, ठीक है, उनको डिरेक्शन देना है, उनको पॉलिश देना है, फिर उन्हीं के डिरेक्शन से उन्हीं का गोल डिफाइन करना है. जैसे कुछ लोग जो है वो स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कुछ लोग स्पीचेस इतनी अच्छी देते हैं कि हमेशा कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका रैंक आता है, तो वो उनके अंदर की स्ट्रेंथ करके उसी के अंदर गोल डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स दे कैन बिकम अ मोटिवेशन, कैन बिकम अ बिग स्पीकर और लेक्चरर और समथिंग लाइक दैट, प्रेजेंटर वगैरह कुछ भी बन सकते हैं वो. व्हाई? बिकॉज दे हैव दोस कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैव द स्पीकिंग स्किल, तो उसको है. फिर उसके बाद उसी में कोई लाइफ प्लान डिजाइन कर सकते हैं कि किस वे में कौन में हमें जाना है, ठीक है, अगर तुम लोग स्पीकिंग में अच्छे हो तो जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर हो या कोई, तुम कोई दूसरी फील्ड ऑप्ट करके कोई कोर्स करके भी कर सकते हो अपने अंदर, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी आर डिजाइनिंग अवर लाइफ प्लान, लीव दैट प्लान एंड रिपीट स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स, रिपीट स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स, दैट इज अपने अंदर अगर जब तुम ये पॉलिश कर लेते हो ना, अपने गोल्स को डिफाइन कर लेते हो, अपना डिरेक्शन डिफाइन कर लेते हो, अपना लाइफ स्टाइल डिफाइन कर लेते हो, और फिर उसके लिए जब हार्डवर्क करते हो तो ऑब्वियसली जो है वो फ्रूट मिलना ही मिलना है. तो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट नोविंग योर सेल्फ. आई होप यहाँ तक तुम लोगों को चीजें क्लियर रहेगी. सी, यहाँ पे नोविंग योर सेल्फ में कुछ पॉइंट्स दिए हुए कि ये सारी चीजों को जानना जरूरी है. मैं हेडिंग्स पढ़ती हूँ, अपने वे में समझाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत डीप में दिया, लिखते बार भी इतना मत लिखो, बस हेडिंग दे दो और एक दो सेंटेंस इसके लिख दिए तो भी चल जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा लिखते मत बैठो वरना बहुत ज्यादा हो जाता है. देखो, नोविंग योर सेल्फ
सबसे पहले तो हमें हमारी पर्सनालिटी जाननी है, ठीक है। पर्सनालिटी में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमारे क्या ड्रॉबैक्स है, हमारे क्या स्ट्रेंथ्स है, ये जानना है पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी में ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल नहीं जानी। तो नोविंग योर पर्सनालिटी में हम हमारे क्वालिटीज़ जानेंगे, जो क्वालिटीज़ हमारे पास नहीं है वो क्वालिटीज़ भी जानेंगे, ठीक है, उनको इम्प्रूव करेंगे, और जो ऑलरेडी पास क्वालिटी हम पजेस करते हैं उनको पॉलिश करेंगे। तो दिस इज नोइंग अबाउट योर पर्सनैलिटी। इसके अलावा आता है नोविंग योर वैल्यूज, ठीक है। यू मस्ट जॉट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर द वैल्यूज यू पजेस, लाइक व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एंड वेर यू कैन बी फ्लेक्सिबल। ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एंड अ पर्सन ऑफ प्रोबिटी, आर यू एम्बिशियस, रिस्पॉन्सिबल एंड इनिशियल और अ फॉलोअर, डू योर वैल्यू बींग डेडिकेटेड टू योर सीनियर्स कमांड। देखो, अपने वैल्यूज को जानना इन द सेंस वॉट वैल्यूज क्या होते हैं। वैल्यूज तो हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, हम कोई सिचुएशन से कितने तरह से कोप अप कर सकते हैं, हम झूठे हैं या ऑनेस्ट हैं। देखो, खुद को ये क्वेश्चन ना करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। हम सच्चे हैं या हम झूठे हैं, हम ऑनेस्ट हैं क्या। अपने अंदर के बहुत सारे सिनेरियोज को इमेजिन करो, अपने साथ हुए हुए बहुत सारे एक्सपीरियंस को इमेजिन करो, उनमें से अपने आप को खुद को जानो कि तुम ऑनेस्ट हो या तुम बात बात पर झूठ बोल बोलते हो, ठीक है। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, अगर तुम ऑनेस्ट नहीं हो अपने लाइफ में, तो तुम किसी के साथ अगर ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो तो तुम खुद के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो। देखो, जब हम डिसऑनेस्टी दिखाते हैं ना दूसरों से, सेम टाइम पे हम खुद के साथ भी दिखा रहे होते हैं। तो ये वैल्यूज अपने अंदर एक्यूमुलेट करना है। वैल्यूज का दूसरा नाम है डिसिप्लिन, ठीक है। हम डिसिप्लिन के तरीके पर चले और डिसिप्लिन सभी लोगों से पेश आए, दैट मीन्स वी आर एक्यूमुलेटिंग दोज वैल्यूज इन आवर सेल्स। हम बड़ों से किस तरह से बात करते हैं, वो भी हमारी एक वैल्यू है, ठीक है। हम छोटों से किस तरह से बात करते हैं, वो भी हमारी एक वैल्यू है। हम हमारे बराबरी के लोगों से किस तरह से बात करते हैं, दोज आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज अपने अंदर पैदा करना है, इसके लिए क्वेश्चनिंग करनी है कि ये वैल्यूज हम रखते हैं या नहीं रखते। अगर रखते नहीं है तो ऑब्वियसली उस पर वर्क करना है और उन्हें अपने अंदर हेरिट करने की कोशिश करनी है। फिर देखो, आता है नोविंग योर बॉडी। एज अ स्टूडेंट बी फिजिकली अनफिट। नोइंग योर बॉडी का मतलब ये नहीं है कि ड्रेसिंग स्टाइल बदलते फिरो, हेयर स्टाइल बदलते फिरो, ठीक है, महंगे महंगे कपड़े खरीदो, महंगे शूज खरीदो और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश करो, ये नहीं होता। अपने आप को मिरर में देखना है, ठीक है। अपने आप को मिरर में देख के अपने आप को कोसना नहीं है कि वाई एम सो अगली, हम अच्छे क्यों नहीं दिखते, हमारे बाल ऐसे क्यों है, या हमारे बाल इतने अच्छे हो सकते थे, ठीक है। ये अपने आप को मिरर में देख के ऐसा नहीं करना है। अपने में देख के अपनी अच्छाइयों को देखना है कि कौन सी चीजों में हम क्वालिटीज रखते हैं, कौन सी अंदर अच्छी है, ठीक है। अगर खुद को तुम फिजिकली अनफिट लग रहे हो, जैसे कोई इंसान बोलेगा कि नहीं यार, मैं पहले बहुत अच्छा था, अब मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मैं फिजिकली रहा हूँ, तो इफ यू आर फीलिंग दैट वे, अगर तुम अपने आप को सोच थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, श्योरली यू कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है। बहुत सारे वेज होते हैं, यू कैन डू एक्सरसाइजेस, यू कैन पुट ऑन अ हेल्दी डाइट, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो जिससे तुम अपने आप पे वर्क करो। तो अपने बॉडी को जान के अनसिक्योर कभी फील नहीं करना है, भले तुम मोटे हो, भले तुम दुबले हो, ठीक है, भले तुम प्रॉपर हो, अपने बॉडी को लेके कभी भी अनसिक्योर फील नहीं करना है। भले कोई गोरा रहेगा, कोई काला रहेगा, किसी के बाल छोटे रहेंगे, किसी के नहीं भी रहेंगे, तो उन सारी चीजों को, ये सारे चीजों को लेके अनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज नेवर कंसिडर्ड इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एज आई सेड बिफोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ योर वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ योर थॉट्स, डेवलपमेंट ऑफ योर बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ योर एटीट्यूड, हाउ यू ट्रीट अदर्स, हाउ यू टॉक विद अदर्स, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, हाउ यू आर एक्युमुलेटिंग दोज वैल्यूज इन योर सेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नेवर डील्स विद योर हाउ यू लुक, हाउ इज योर हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल। यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू डेवलप योर वैल्यूज। समथिंग अबाउट नोइंग योर बॉडी, अपने आप के बारे में जानो। अगर तुम्हें लग रहा है बॉडी इज नॉट फिजिकली फिट, श्योरली यू कैन वर्क ऑन दैट एंड यू कैन मेक योर बॉडी फिजिकली फिट। उसके बाद आता है वॉट आर योर नोइंग योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को जानना, कि हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है और कौन सी चीज बुरी लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ अच्छी चीजें बुरी लगती है, ठीक है, तो उस पे
वर्क करो। जरूरी नहीं कि हर चीज जो हमें बुरी लग रही है वो हम जबरदस्ती पसंद करें, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छी चीजें होती है, जैसे कोई खाने की चीज ले लो, जैसे कोई स्टूडेंट होगा जो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहा होगा, ठीक है, पर उनके हेल्थ के लिए वो अच्छा है, अगर वो चीज वो खा ले तो उनकी हेल्थ और ज्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। किसी को कोई डिसीज रहेगी और उसे मेडिसिन खाना पसंद नहीं है तो ये बुरी आदत है, ठीक है, मेडिसिन खानी चाहिए, वाई, बिकॉज उनके फायदे की चीज है वो। तो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को पता लगाना है, ठीक है, जो तुम्हारे लाइक्स है ठीक है वो तो है, देखना है कि वो लाइक्स तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ये किसी को मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बट शुगर की बीमारी है, अब ये लाइक्स तो उनके लिए डेंजरस हो गया, राइट, उनको पसंद है वो मीठी चीजें बट ये लाइक है उनका जो कि उनके लिए डेंजरस है, तो ऐसे लाइक्स पे सीखना है। और कुछ डिसलाइक्स है जो उन्हें नहीं अच्छे लगते, ठीक है, वो नापसंद करते कुछ, वो चीजें उनके लिए फायदेमंद है तो वैसे चीजों को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को जज करना है कि अगर मैं कुछ चीजें लाइक करती हूँ तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, अगर बेनिफिशियल नहीं है, जैसे कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं हमारे हमारे अतराफ में, कुछ फ्रेंड्स है जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें उनका साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, बट वो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकते, टॉक्सिक हो सकते, बिकॉज वो हमें कुछ अच्छाई नहीं सिखाते, हमें बुरी चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है, हमें उनकी कंपनी तो हम इंजॉय करते हैं बट वो हमें कोई भी अच्छी चीज नहीं सिखाते, वी लाइक दे आर डेंजरस फॉर अस, दे आर टॉक्सिक फॉर अस, यू हैव टू स्टॉप बींग विद सच काइंड ऑफ पीपल, यू हैव टू कंट्रोल योर लाइक्स एट दैट टाइम, तुम अपने पसंद को वो कंट्रोल करना सीखो, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ विच कैन बी डेंजरस, विच कैन बी डेंजरस फॉर योर करियर, विच कैन बी डेंजरस फॉर योर ओन पर्सन, सो स्टॉप बींग विद सच पीपल इवन इफ इट्स गिविंग यू हैप्पीनेस, ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। सो अपने अंदर के लाइक्स डिसलाइक्स को पता लगाओ। इसके बाद आता है नोविंग योर मूड, ठीक है, अपने मूड को जानना है कि हमारा मूड कैसा है। देखो कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत जल्दी हो जाते, उनसे मजाक भी कर लो वो बहुत जल्दी ऐसा उनको ऐसे लगेगा यार ये क्यों ऐसे बात कर रहा है, ठीक है, वो अपने अंदर बहुत ज्यादा एंगर रखते हैं, बहुत जल्दी वो हाइपर हो जाते हैं, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक, ठीक है, भले सामने वाला तुम्हें पर्पजली चिढ़ा रहा है, भले मजाक में चिढ़ा रहा है या भले फ्रेंड समझ के चिढ़ा रहा है, ठीक है, जो भी वो कर रहा है अपने अंदर इतना गुस्सा नहीं रखना है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत इमोशनल है, कुछ भी उन्हें कह दो मजाक में कह दो वो रोना स्टार्ट कर देंगे, तो दिस इज ऑल्सो अ, इतना इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत पत्थर दिल अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते, उन्हें कुछ भी बोलो, उन्हें गालियां दे दो, उन्हें कुछ भी कर लो, ठीक है, उन्हें नहीं पड़ता, दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। देखो बैलेंस होना चाहिए, हर एक इमोशन का हमारे अंदर बैलेंस होना चाहिए, हमें हमारे मूड पे बैलेंस करना आना चाहिए, हम ना कोई बंदा हंसते ही रह रहा है हंसते ही रह रहा है, लोग पागल समझेंगे उसे, ठीक है, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ मूड, बंदा रो ही रहा है तो भी लोग उसे पागल समझेंगे, तो अपने मूड पे जो है ये ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, भले सिचुएशन कैसी भी कितनी भी बुरी अंदर उतनी इमोशनल चीजों को नहीं रखना कि हम रो देंगे उस चीज पे, ठीक है, करना है ऐसे टाइम पे। फिर इसके अलावा इतना पत्थर दिल भी नहीं बन रहा है कि स्ट्रॉन्ग से बहुत बुरी सिचुएशन में भी हम हंस रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट द थिंग, अपने कंट्रोल करना है, दिस इज हाउ यू नो योर मूड, हाउ यू नो योर इमोशन। हॉबीज रहेंगे तुम्हारे लाइफ में, जो हॉबीज को अगर तुम वो ठीक है तो वो तुम्हारे अंदर टॉक्सिसिटी ला रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम है ना, ये तो हर जनरेशन का मतलब आज के दौर में तो ट्रेंड बन गया है कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से मेरी क्लास में जो इंस्टाग्राम नहीं चला रहा होगा, ठीक है, जब टिकटॉक बंद हो गया तो लोग स्विच हो गए ये रील्स एंड ऑल पे, तो आज लोग बनाते भी है देखते भी है, दिन में हमारा आधा दिन तो वो इंस्टाग्राम पे गुजर जाता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब तो फिर भी यूट्यूब फायदे की चीज है, लाइक हम तो स्टडी से रिलेटेड वगैरह कुछ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम यार मतलब रील्स देख देख के आधा दिन गुजर जाता है, इवन इफ आई एम यूजिंग ना, मैं खुद यूज करती कभार तो मुझे टाइम का पता नहीं लगता कि यार कितने से कितने हो गए। तो देखो कुछ ऐसे हॉबीज होते हैं हमारे जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, तो ऐसे हॉबीज पे कंट्रोल करना सीखना है, ऐसे हॉबीज को गेट रिड ऑफ दोज हॉबीज, ठीक है, हाँ कुछ फ्यू टाइम दे टाइम पास के लिए 5-10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा इट्स ओके, यू कैन यूज दैट, इफ यू आर अ क्रिएटर, तुम रील्स बना रहे हो ठीक है जिससे तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम कंटेंट क्रिएट करके अपने आप में वो
चेरिश करे, वो जो है पॉलिश करे अपने अंदर की वो क्वालिटी को, देन इट्स ओके, इट्स फाइन, तुम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जो है क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तो तुम उसको पॉलिश करे हो, दैट्स टोटली फाइन. बट फिजूल में टाइम वेस्ट करना, इट्स नॉट डन. तो तुम लोगों को वो जो हॉबी है अपनी, गेट रिड ऑफ दैट हॉबी. तो ऐसे सिर्फ इंस्टाग्राम की नहीं, बहुत सारी हॉबीज होंगी हमारी जो हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाती है, हमारे अंदर जो है गलत चीजें डेवलप करवाती है. तो ऐसे हॉबीज को यू शुड गेट दैट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर वन, सॉरी चैप्टर नंबर सेकेंड फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. इफ इट्स क्लियर प्लीज जस्ट से येस. यस ओके, सो विल एंड टुडेज लेक्चर. मंडे को शायद सॉफ्ट स्किल रहेगा, उसमें हम दूसरी चीज देखने की कोशिश करेंगे. ये वाली पिक्चर मैं शेयर कर देती हूँ, स्टार्ट राइटिंग. ओके, संडे आ रहा है कल, तो संडे का यूटिलाइज करो. जो भी नोट्स हुए हैं हमारे अभी तक, वो लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है. आई विल जस्ट एंड टुडेज लेक्चर. अल्लाह हाफिज एंड बाय.